के बारे में सुना था, पहली बार एक राक्षस को देखा। दिसंबर में केजीएफ चैप्टर 1 को रिलीज किया गया था। केजीएफ चैप्टर 1 के रिस्पांस को देखते हुए हर कोई बस इसी चीज की उम्मीद में बैठा था कि केजीएफ चैप्टर 2 जल्द से जल्द आ जाए। केजीएफ चैप्टर 2 के यहां पर इंतजार में हर कोई था और चैप्टर 1 में जब इसका अंत दिखाया गया और इस बात का हिंट हर किसी को मिल गया कि केजीएफ चैप्टर 2 आएगी, तो यहां पर खुशी का वाकई में किसी का कोई ठिकाना नहीं था। जिस तरह केजीएफ चैप्टर 1 के अंत में इस चीज का हिंट दिखा दिया गया कि चैप्टर 2 आने वाली है, तब से सिर्फ और सिर्फ इंतजार किया जा रहा था चैप्टर 2 को देखने का, जो आने वाली थी 2019 के एंड तक, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि एंड में आने जा रही है केजीएफ चैप्टर 2 की बजाय यहां पर दबंग 3, और दबंग 3 से पंगा लेना नहीं चाहते थे यहां पर केजीएफ के मेकर्स, लेकिन सीधा ही डेट टलती हुई सामने आई अप्रैल के महीने में साल 2020 में, जिससे ये पता चला कि यहाँ दबंग 3 से कोई कॉम्पिटिशन के चक्कर में फिल्म को आगे नहीं बढ़ाया गया है, बल्कि बढ़ाया गया है फिल्म में थोड़ी और मेहनत करने के लिए। आने जा रही है केजीएफ चैप्टर 2 आप सभी के सामने 2020 अप्रैल के महीने में, अंत तक इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा और ये कन्फर्म हो चुका है, सिर्फ डेट अनाउंस होना अभी बाकी है। लेकिन जहां पर उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द फिल्म की और भी पोस्टर सामने आएंगे और आएगा टीजर ट्रेलर सामने, तो एक हिंट मिल चुका है इस फिल्म के पोस्टर और ट्रेलर के आने वाले दिनों का। दरअसल 21 दिसंबर को पूरा यहां पर कंप्लीट करती हुई नजर आएगी केजीएफ चैप्टर 1 अपना एक साल, अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी पे यहां पर केजीएफ चैप्टर 2 की झलक दिखाने के लिए मेकर्स तैयार होने जा रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर इसी चीज की उम्मीद है और इनसाइड सोर्सेस का कुछ यूं ही कहना है कि 21 दिसंबर जब होगी केजीएफ चैप्टर 1 की फर्स्ट एनिवर्सरी, तो यहाँ लेकर आ जाएगा फैंस के लिए सरप्राइज, जहाँ इस फिल्म के पोस्टर्स को रिलीज किया जाएगा। पोस्टर्स में आप सभी को अब फाइनली नजर आएंगे इस फिल्म के हीरो यश। यो तो इस फिल्म का एक पोस्टर पहले भी सामने आ चुका है और इस पोस्टर में नजर आए थे फिल्म के विलन संजय दत्त। संजय दत्त के अधीरा वाले लुक को बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया, फैंस यहां पर बेहद ही खुश हो गए। लेकिन यहां पर खुशी इस बात को लेकर भी ज्यादा हुई क्योंकि उनका लुक बहुत ही ज्यादा शानदार दिखाया गया है, जिस चीज की उम्मीद नहीं थी। फैंस का यहां पर यह कहना था कि आखिर क्यों बॉलीवुड को लेकर आया जा रहा है केजीएफ चैप्टर 2 में, क्योंकि यहां केजीएफ में सभी के सभी कलाकार जो साउथ इंडस्ट्री के थे वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन थे। अगर बॉलीवुड आ जाता इसके अंदर तो ड्रामा क्रिएट हो जाता और एक्टिंग में थोड़ा दम नहीं लगता, ये फैंस का कहना था। लेकिन संजय दत्त के पोस्टर को देखकर थोड़ा सा माइंडसेट उन सभी का चेंज होने लगा है और अब यश का पोस्टर फाइनली आप सभी के सामने फर्स्ट एनिवर्सरी तक इस फिल्म का सामने आ जाएगा, जहां पर और भी तमाम पोस्टर नजर आएंगे जैसे कि फिल्म की हीरोइन के, और हो सकता है कि रवीना टंडन जिसके इस फिल्म में होने की उम्मीद अभी तक जताई जा रही है, कन्फर्म कुछ भी नहीं है, वो भी आप सभी के सामने पोस्टर के जरिए कन्फर्म हो ही जाए। तो वहीं अब बात करते हैं फिल्म के टीजर की, तो टीजर आ सकता है आप सभी के सामने जनवरी के महीने तक। और ऐसा क्यों ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि 8 जनवरी को आता है यश का बर्थडे, उनके बर्थडे के मौके पर उनके फैंस को सरप्राइज वो देना चाहते हैं और ये फिल्म के मेकर्स भी देना चाहते हैं। इस फिल्म के टीजर को सामने रखा जाएगा और टीजर के बाद फाइनली आप सभी के सामने फरवरी के एंड या फिर मार्च की स्टार्टिंग तक इस फिल्म के ट्रेलर को रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि अप्रैल के अंत तक तो साल 2020 में ये फिल्म रिलीज होने ही वाली है। जितना प्यार मिला है केजीएफ चैप्टर 1 को, केजीएफ चैप्टर 2 को भी उतना प्यार मिलने की उम्मीद की जा रही है। वेल, यू तो इस फिल्म का एक बीजीएम भी सामने आ चुका है, यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक, जिसे बहुत ज्यादा अभी तक पसंद किया गया है। इंतजार है बस इस फिल्म के रिलीज का, और आप कितना इंतजार कर रहे हैं फिल्म को देखने का ये कमेंट करके जरूर बताएगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल ना जाएं।